स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा होती हैं, प्रत्येक मास में पूर्णिमा पड़ती है और हर मास की पूर्णिमा का अपना अलग अलग महत्व होता है। और इसमें जैसे कार्तिक मास की पूर्णिमा है, माघ मास की पूर्णिमा है, इनका और ही विशेष अपना महत्व है। माघ मास की जो पूर्णिमा है, इस दौरान जैसे सभी जानते हैं गंगा स्नान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गंगा स्नान करने से संतुष्टि मिलती है, पितरों की मुक्ति प्राप्त होती है और बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इस समय जब मकर राशि में सूर्य संचरण कर रहा होता है और उस दौरान माघ की पूर्णिमा पड़ती है, तो उस समय गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व है। और साथ साथ में ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के दौरान 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति लग जाती है, उस दौरान एक महीने तक एक राशि में सूर्य संचार करता है, 3 बार गंगा स्नान किया जाए तो बहुत बड़ा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि जैसे सभी लोग जानते हैं, वैसे तो अपने आप में बहुत विशेष होती है। कई सारे कारण हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला पे होता है और ज्योतिष शास्त्र में इसे पूर्णा तिथि को तिथि के रूप में माना गया है, पूर्णा तिथि कही जाती है। इस बार 16 फरवरी को पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। इसी दिन इसका व्रत भी होगा और स्नान दान भी 16 फरवरी को ही होगा। 15 फरवरी की रात्रि को 9:45 करीब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 16 फरवरी की रात्रि करीब 10:30 तक रहेगी। तो इसलिए इस बार पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान दोनों 16 फरवरी को होगा। मित्रों, तिथि विशेष होती है और उसको विशेष बनाया जा सकता है। विशेष कैसे बनाया जाए, उसका विशेष लाभ किस तरह से लिया जाए, तो शास्त्रों में तो अनेक पुराणों में हमारे तिथि के बारे में बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, बहुत बड़ी विशेषता है। ऐसा कहा गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है ऐसा कि इस दिन विष्णु भगवान जो है गंगा जल में निवास करते हैं और उनके साथ में ही सभी देवतागण, जितने देवताओं का जो समूह है, पूरा देवताओं का समूह गंगा जल में वास करता है। तो इसलिए इस दिन स्नान करने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है और स्नान करने के बाद में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि देने से भी, जैसे किसी के यहाँ पितृदोष है या पितृ मुक्ति की कामना है किसी की, तो वो इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान करके पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करे और उनके निमित्त दान जैसे घी, गुड़, तेल, कंबल, वस्त्र, जूते चप्पल आदि का दान कर सकता है। ऐसा करने से इस दिन का विशेष लाभ होता है। इस बार पूर्णिमा में जो योग पड़ रहा है वो भी बहुत अच्छा सुंदर शोभन योग है, इसलिए और भी खास हो जाती है कि इस दिन कोई कार्य किया जाए, कोई दान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। मित्रों, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्णिमा के दिन की जा सकती हैं। जैसे मान लिया कुंडली में किसी का चंद्रमा कमज़ोर है और उसको उस वजह से परेशानी होती है, चंद्रमा कमज़ोर होने की वजह से कई सारी परेशानियां आती हैं। कुंडली में अगर चंद्रमा का दोष है, चंद्रमा पीड़ित है या कमज़ोर है, तो उस व्यक्ति को इस दिन चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और रात्रि के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को
अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से उसकी कुंडली में जो चंद्र दोष है वो खत्म हो जाता है। और कई सारे इस तरह के जो स्थितियां हैं, जैसे मान लिया किसी को मानसिक तनाव होता है, अकारण जो है मन स्थिति विचलित हो जाती है, मन विचलित हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर के असंतुष्टि है, तो उसे चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से चंद्रमा की उपासना करनी, अर्घ्य देना चाहिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ साथ में भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके उनका अभिषेक भी करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष हैं वो खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि। अगर वो संतुष्ट होता है किसी कार्य को लेकर के, किसी कार्य से संतुष्ट नहीं होता है तो उसका वो कार्य करना व्यर्थ होता है। और ये चीज़ चंद्रमा के मजबूत होने से ही हो पाती है, तो इसलिए पूर्णिमा के दिन इसका विशेष रूप से इसका उपचार। इस बार जो पूर्णिमा तिथि 16 फरवरी को पड़ रही है, इस दिन चंद्रमा जो है अपनी राशि में ही संचार करेगा। बहुत ही ये भी अपने आप में एक बड़ा सुंदर योग है कि चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में संचार करेगा। तो इसके अलावा पूर्णिमा तिथि को जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से दिक्कत है, यानी व्यवसाय कार्य व्यवसाय चल नहीं रहा है या उसके ऊपर कर्ज है, ऋण ज़्यादा हो गया है, या मान लिया किसी तरह से भी आर्थिक परेशानी है, उसके लिए बहुत विशेष अवसर है ये, जब वो इस कार्य को करके मतलब इस निमित्त कोई कार्य करके, छोटे मोटे कार्य करके आर्थिक परेशानी से, अपने ऋण से और कारोबार की अपनी स्थिति को सुधार सकता है। और बहुत ही छोटे छोटे कार्य हैं, आप अंत तक इस वीडियो को देखें। इस दिन बहुत ही सरल रूप से, जैसे मान लिया किसी को आर्थिक परेशानी है या व्यवसाय नहीं चल रहा है या ऋण का दबाव है, कर्ज का दबाव है, तो उस व्यक्ति को इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें, उनको चढ़ाए, उनके सामने दीपक जलाए, लाल वस्त्र के ऊपर माँ लक्ष्मी की मूर्ति फोटो स्थापित करके उनके सामने दीपक जला करके माँ को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए और उन कौड़ियों के ऊपर हल्दी और केसर मिश्रित तिलक लगा करके उनको वहाँ पर रख दें और अगले दिन उन 11 कौड़ियों को बांध करके अपने पैसे रखने की जगह तिजोरी आदि में उसको स्थापित कर दे। ऐसा करने से, ये काम पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए, ऐसा करने से उसकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। अगर ऋण का कर्ज का दबाव है तो वो भी समाप्त हो जाएगा और अगर रोजगार अस्थिर है तो रोजगार में स्थिरता होगी और वृद्धि होगी। दूसरा उपाय है, बहुत ही सरल है, प्रातःकाल पीपल के पेड़ में जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करें और उस पर मिष्ठान्न का भोग लगाएं। पीला मिष्ठान हो या सफ़ेद मिष्ठान हो, मिठाई हो, उसका भोग अर्पण करें। इस तरह करने से भी उसकी आर्थिक परेशानी दूर होगी और रोजगार में अस्थिरता है, रोजगार में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो वो भी हो जाएगी और साथ में अगर कर्ज की स्थिति आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो ये पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से करने के दो छोटे छोटे उपाय हैं। अगर इनको इस तरह से किया जाए, माँ लक्ष्मी की उपासना करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है और ये अवसर महीने में एक बार ही आता है और इस बार माघ की पूर्णिमा के लिए, माघ की पूर्णिमा के समय तो ये बहुत ही अच्छा समय है जब इस चीज़ को किया जा सकता है। मित्रों, पूर्णिमा अमावस्या जो ये विशेष तिथियाँ होती हैं, पर्व तिथियाँ जो होती हैं, इनमें स्नान और दान का विशेष महत्व तो होता ही है, साथ में अगर इस दिन कोई विशेष कार्य विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है तो उसकी भी सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि मैंने पहले बताया वीडियो के प्रारंभ में, जैसे बताया कि पूर्णिमा तिथि पूर्णा तिथि होती है, ज्योतिष शास्त्र में इसको पूर्णा तिथि कहा गया है, तो इसमें जो भी कार्य किया जाता है वो पूर्णता की तरफ ही रहता है और पूर्णता की तरफ रहता है। और अगर उसमें भी तब शुभ योग पड़ जाए, शुभ वार पड़ जाए,
तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस तरह आप पूर्णिमा तिथि का लाभ ले सकते हैं, पितरों के निमित्त दान तर्पण इत्यादि करें और साथ साथ में रोजगार व्यवसाय और आर्थिक परेशानी के लिए छोटे छोटे उपाय को अपना करके अपना कार्य सिद्धि कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।